गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर सिक्स। देखो, द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ शॉप। जो मिस्टर पार्सल थे, वो जो आदमी इंटर हुआ था उनकी दुकान में, उसको ऑर्डर देना चाहते थे कि ये दुकान छोड़कर चले जाएं। बट ओडली इनफ ही कुड नॉट। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो प्रोफेशन में तो करेंगे नहीं ना, कि जैसे उसको कहेंगे आप यहाँ से भागिए, यहाँ चले जाइए। He heard himself dutifully asking। उन्होंने सुना himself को dutifully asking, अब पूछ रहे हैं why, how long did it take you, मतलब कितना। अब उनकी ड्यूटी है पूछना, जब आदमी कह रहा है पूछो तो कह रहे हैं कि ठीक है बताओ कितना। द अदर लाफ्ड, 10 years at hard labor। तो दूसरा वाला यानी आदमी जो कबूतर खरीदा कहा 10 वर्ष लग गए at hard labor और कठिन परिश्रम हुआ। 10 years to earn 5 years 560 a year कह रहे हैं। 10 years to earn 5 यानी 10 वर्ष कमाने में लग गए 10 कितने $5.50 एक ईयर में हुआ, यानी 50 सेंट। इट वॉज बेस्ट, मिस्टर पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। अब यह तो बेस्ट था, मिस्टर पर्सल डिसाइडेड किए टू ह्यूमर उसका मजाक। माई टेन ईयर्स दैट इज सर्टेनली लॉन्ग टाइम, मेरा जो 10 ईयर्स ये बहुत लंबा समय था। नाउ अब देखिए, दे गेव यू $5 और तुमने जो मतलब मजाक करते हो तो तुमने 10 साल काम किया, तुमको ये दिए $5। लाफ्ड द मैन, इज चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट अगेन, और चीप सूट टेल यू बताता हूँ कि नॉट पुनः फंसना मत इस सब चीज़ों में। मिस्टर पर्सल पोप्ड हिज स्वीटिंग ब्रो। अब मिस्टर पर्सल जो उनकी ब्रो पे जो है जो स्वीटिंग पसीना आ रहा है उसको जो पोछ रहे हैं। अब देखिए, नो अबाउट ए केयर फीडिंग ऑफ योर डब्स आई वुड एडवाइस। अब मिस्टर पर्सल बता रहे हैं कि ध्यान सुनो, मैं कुछ बताता हूँ इस डब्स के लिए क्या केयर होना चाहिए, क्या इसकी फीडिंग होनी चाहिए, इसका भोजन। बा द मैन स्वंग राउंड स्टार्ट डेवरेटली फ्रॉम द स्टोर। अब जो होता है मैन स्वंग राउंड मतलब घुमा, और स्टार्ट डेवरेटली माने चलते चला गया तेज से। अब देखिए, स्वंग राउंड माने घूम कर, जैसे अचानक घूम करके, स्टार्ट आउट माने पैदल जैसे कदमों से चला गया स्टोर से। मिस्टर पर्सल साइड भी सडनली, अब मिस्टर पर्सल को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। ही वाडल टू द विंडो स्टेड आउट। अब जो होता है वाडल माने बत्तख की चाल चलना, लाइक ए किसकी तरह, बत्तख की तरह चाल चलना, स्टेड आउट और बाहर देखते हैं। जस्ट आउट हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हाल्टेड, जहाँ उनका जो कस्टमर था रुक गया था, हाल्टेड स्टॉप हुआ था। He was holding the cage shoulder high। वह जो होता है उस केज को पकड़ा हुआ था कंधे पे, staring at his purchase और देख रहा था जो उसने खरीदा था उस पर देख रहा था। Then opening the cage और तब जो होता है खोल करके केज को, he reached inside drew out one of doves, ओपन किया केज को और उसमें से एक कबूतर को निकाला और इससे हवा में उछाल दिया। उसके बाद सेकेंड लिया उसको भी इसके पीछे। द रोज लाइक विंड ब्लोन बाल्स ऑफ फ्लग, माने उनके जो होता वो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें हैं, फर जो होता है उनके पंख नहीं हैं, ये सब जो है विंड बॉल की तरह एकदम उड़ गए। वो लॉस द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, और विंट्री सिटी में जो होता है सब खो गए चले गए। फॉर स्टैंड द लिबरेटर साइलेंट लिफ्ट गेज वाट आफ्टर दिन, कह रहा है जो लिबरेटर था साइलेंट था और लिफ्टेड गेज वाच आफ्टर देम, माने वो कबूतर जब उड़ रहे हैं तो उनको देख रहा है जब तक वो डिसअपीयर नहीं। देन ही ड्रॉप्ड द केज, तब उसके बाद उसने केज को छोड़ दिया। ही शोड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, वो अपने दोनों हाथों को जो होता है अपने ट्राउजर पॉकेट्स में डाला। हंच डाउन हिज हेड एंड सफल ने वे, अब जो होता अपने सर को झुकाया उसके बाद वहाँ से चल दिया। द मर्चेंट ब्रो वाज पकड विद प्रेलसी, जो मर्चेंट जो था व्यापारी जो था अब जो तो परेशान हो गया सब चीज़ें से, पलस्टी माने कन्फ्यूज हो गया सब चीज़ें। सो डिस्परेटली द मैन डिजायर द डब्स, मतलब इतना परेशान होकर इतना जानबूझ के उतने खरीदा है उसकी डिजायर डब्स लेने की। एंड ही हैड लेट हिम देम एट रिड्यूस प्राइस, और उसने जो ही हैड लेट हिम उनको जो है, और जो जब आदमी की पूरी इच्छा थी कि इसे खरीदने तो उसने जो है रिड्यूस प्राइस भी करवाया, मतलब प्राइस को कम करवाया, मिस्टर पर्सल ने प्राइस कम किया। बट एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, लेकिन तुरंत ही उसने उसे छोड़ दिया। नाउ व्हाई मिस्टर पर्सल मटर्ड डिड ही डू दैट, ही फेल्ट वैगली इंसल्टेड। अब जो होता मिस्टर पर्सल थोड़ा सा भुनभुनाए, डिड ही डू मतलब क्या वह किया, वह अपने आप को थोड़ा सा
ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड। अब मिस्टर पर्सल अपने आप को थोड़ा सा इंसल्टेड फील कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं कि एक आदमी जो है पैसे देकर उस चीज़ को ख़रीदा है और फिर उसके बाद उसके लिए पैसे दिया, उसके लिए प्राइस भी कम करा, इसके बाद तुरंत छोड़ दिया, तो थोड़ा सो नहीं होता कि क्यों कर दिया,